फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल वुलन फ्लावर बनाना बताऊंगी। इस फ्लावर को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाने वाला वुलन फ्लावर है। इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने मोती यूज़ की है। आप बिना मोती के भी इसे कहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल के नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। इस फ्लावर को बनाने के लिए हम एक पेन लेंगे और कोई भी कलर की ऊन लेंगे। उसके बाद देखिए, हमें ये इस तरह से इसमें ये नॉट लगा देनी है। अब ये नॉट लग गया। अब इसके बाद देखिए, हमें ये इस तरह से इस पे बनाना है। ऐसा हमें 26 टाइम्स करना है। इसे मैंने 26 बार यहाँ पे लपेट लिया है उनको। अब देखिए, हम इसे यहाँ इसके ऊपर से लेकर के इस तरह से इसे बनाएंगे। हमें ये इन सब के ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसमें से इस सुई को इस तरह से डाल करके इस तरह से निकालना है। इसी तरह से हम ये पूरे लाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे। हमें यही यहाँ तक पूरा बनाना है। ये एक लाइन बनकर इस तरह से कंप्लीट हो गया है। और अब हम एक लाइन और बनाएंगे ताकि हमारा फ्लावर और भी अच्छा बने। तो देखिए, हमें ये यहाँ से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वैसे ही बनाना है। बस हम इस ऊपर वाले हिस्से में से इस सुई को निकालेंगे और फिर इस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें ये एक और लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। दूसरा लाइन भी बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे यहाँ पे
नॉट लगा दे। अब हम इसे पेन पे से निकाल ले। तो देखिए इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और फिर हम सुई की हेल्प से इन सभी को आपस में सिल लेंगे। देखिए हम यहाँ पे चाहे तो मोती भी लगा सकते हैं, तो यहाँ मैं मोती भी आपको लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए ये मोती लग गया है। अब हम इस धागे को नॉट करके कट कर लें। तो देखिए ये अब मेरा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। ये एक छोटा फ्लावर है। अगर आपको इससे बड़ा फ्लावर बनाना है तो आप 26 से ज़्यादा बार इसे लपेटेंगे। तो देखा आपने ये फ्लावर बनाना कितना इजी है। इस फ्लावर को आप किसी भी स्वेटर में लगा करके और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। उस स्वेटर को इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्लावर तो वॉशेबल भी है, इसका कलर जाने का भी कोई टेंशन नहीं है, इसलिए आप इस फ्लावर को किसी भी कपड़े पे लगा सकते हैं। इससे आप हेयर एक्सेसरीज भी बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक और फ्लावर बनाया है। ये फ्लावर थोड़ा बड़ा है और ये ज़्यादा थिक भी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।